दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम देखेंगे इस वीडियो में जो प्रश्न आपने शिक्षा विभाग से पूछे हैं और इसका उत्तर शिक्षा विभाग ने इसी चैनल पर मेधा सॉफ्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वह प्रश्न और कौन से उत्तर शिक्षा विभाग ने आपने भेजे हैं। पूर्वी चंपारण से प्रश्न भेजा है मनोज कुमार सिंह ने। इनका प्रश्न है कि सर, मैंने अपना करेक्शन पूरा कर दिया था जो सही भी हो गया था, लेकिन आज फिर 64 नेम डज नॉट मैच्ड विथ बैंक अकाउंट दीक्षा दिखा रहा है। प्लीज़ हेल्प करें, मैं क्या करूं? शिक्षा विभाग ने इसका उत्तर दिया है, व्यू चेकलिस्ट ऑप्शन गिवेन अंडर रिपोर्ट मेनू 0 रिकॉर्ड इन नेम मिसमैच लिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, कटिहार से मोहम्मद तैयब हुसैन ने भेजा है। इनका कहना है कि अनेबल टू जनरेट स्टूडेंट अप्रूव्ड लिस्ट, और आंसर आया है क्वेरीज में एज पर डिपार्टमेंट यू कैन नॉट मार्क अटेंडेंस बाई मोर देन 75% ऑफ टोटल एंट्री, री वेरीफाई एंड मार्क अटेंडेंस अगेन करेक्टली एंड अपडेट इट, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू जनरेट फाइनल रिपोर्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लखीसराय से मौलुश्री रजक ने प्रश्न किया है। 250 लिखा है अपने प्रश्न में। इसका उत्तर है कि इफ़ यू हैव नॉट एनी क्वेरी काइंडली मेंशन इट प्रॉपरली। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न लिखना है स्पष्ट लिखें और शिक्षा विभाग तभी उसका उत्तर दे पाएगा। यहाँ पर 250 प्रश्न लिखने से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या कहा जा रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटना से सियाराम प्रभात ने प्रश्न किया है, हाउ टू डाउनलोड द रिपोर्ट। दोस्तों कुछ दोस्तों को रिपोर्ट डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, तो इन्होंने प्रश्न किया है। इसका उत्तर क्या आया है आइए देखते हैं। इनका उत्तर है फर्स्ट जनरेट द फाइनल रिपोर्ट फ्रॉम जनरेट फाइनल रिपोर्ट एंड देन डाउनलोड द रिपोर्ट फ्रॉम जनरेटेड अप्रूव लिस्ट गिवेन अंडर एक्शन मेनू इनसाइड योर स्कूल लॉगिन। यानी कि आपको स्कूल लॉगिन में एक्शन मेनू जो है वहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गया से अनिल कुमार सिन्हा ने प्रश्न किया है, हाउ टू प्रिंट स्टूडेंट डिटेल विद QR कोड, और इनका उत्तर आया है वही प्रश्न है और वहीं से आपको उत्तर भी वही सेम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मधुबनी से शिव नारायण यादव ने। इनका रिक्वेस्ट OTP, इन्होंने OTP की रिक्वेस्ट की है और इसका उत्तर लिखा है OTP इज सेंड टू स्कूल हेडमास्टर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर काइंडली चेक इट। दोस्तों हम कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं, इससे आपको जानकारी होगी अगर आपका प्रश्न इसी प्रकार से है तो। अगर आप भी चाहें तो क्वेरीज में अपने प्रश्न भेज सकते हैं और वहां से आपको जवाब मिल जाएगा। जहानाबाद से राम प्रसाद ने प्रश्न किया है, नॉट प्रिंट आउट फॉर BRC सबमिट। इनका भी वही सेम प्रश्न है प्रिंट आउट को लेकर के और सेम वही जवाब दिया गया है। दरभंगा से सकेतानंद ठाकुर का प्रश्न है, एक्शन मी जनरेट स्टूडेंट लिस्ट मी अप्रूव्ड लिस्ट नहीं दिखा रहा है। इनका कहना है कि दिखा नहीं रहा है, एक्शन दिखाई नहीं रहा है। इनका भी प्रश्न वही है, अगर पूरी प्रक्रिया ये ठीक से अपनाएंगे तो इनको भी एक्शन बटन दिखने लगेगा। समस्तीपुर से राजकुमार महतो का प्रश्न है, PFMS नॉट रिस्पॉन्डिंग 19 स्टूडेंट का इनका PFMS पूरा अभी नहीं हो पाया है। इनका जवाब है काइंडली वेट फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन टू कंप्लीट, इट विल बी विजिबल इन अटेंडेंस एंट्री पेज आफ्टर अकाउंट वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो पेंडिंग में नहीं रहेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जहानाबाद से लक्की चौधरी ने प्रश्न किया है, यहाँ पर आप देखिए मार्क्स 75% 149
एन 32 मार्क इज करेक्ट बट नॉट क्लियर जस्ट नाउ बाई मेधा सॉफ्ट, सो प्लीज क्लियर क्यूर कोड ऑफ अ स्टूडेंट। इनका भी उत्तर वही दिया गया है, एज पर डिपार्टमेंट यू कैन नॉट मार्क अटेंडेंस वाई मोर देन 75% ऑफ टोटल एंट्री। यहाँ पर देखें तो पटना से डॉक्टर मृत्युंजय कुमार का प्रश्न क्या है, प्लीज इन्फॉर्म अस हाउ टू जनरेट क्यू आर कोड रिपोर्ट, वी ट्राई टू मेनी टाइम्स टू डाउनलोड द रिपोर्ट विद क्यू आर कोड बट आई कांट, सो देयर फोर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेल द प्रोसेस हाउ टू जनरेट क्यू आर कोड रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट विच प्रिंट आउट इज टू बी सबमिटेड। इनका भी सेम आंसर है, एज पर डिपार्टमेंट। दोस्तों अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके अपने पसंद का वीडियो देख सकते हैं, आपको QR से कोड से संबंधित आपको वीडियो भी मिल जाएगा जहाँ से आप अपने प्रश्न का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था प्रश्न और उत्तर का, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट में हमें लिखिए, हम आपके कमेंट में देखेंगे और आपके प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नए महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।